अभी ये पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है और ये इंशाल्लाह इंटरव्यू करेगा और मेरिट के ऊपर जो भी होगा उस बंदे को टिकट दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ को इस दफा अवाम क्यों वोट करें? अवाम उसको वोट दें और अवाम उसको इसलिए वोट दें क्योंकि हमारी हुकूमत है और हमारे जो NA 45 के हल्के के अवाम है वो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, हमने तो अपने जो पार्टी के आइडियोलॉजी के मुताबिक जो उम्मीदवार होना है उसको सेलेक्ट करना है। तो 2.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें ट्राइबल बिल के, तो उसमें उस हद का रिफॉर्म नहीं है जो लोगों का एक ख्वाब था, जो बुनियादी सहूलियात जैसे मोबाइल सिग्नल है वो नहीं है। तो आप ये नहीं समझते तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नाकामी? नहीं, नाकाम। सर जी, जो ज़मीनी इंतखाबात होने हल्कुम पे जो सूबाई असम्बली और इसके अलावा कौमी असम्बली के, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्ट्रेटजी हमारी क्लियर है बड़ी। अभी ये पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है और ये इंशाल्लाह इंटरव्यू करेगा और मेरिट के ऊपर जो भी होगा उस बंदे को टिकट दिया जाएगा। PTI का जो हमारा फेस होगा और जिसका जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी साफ एंड क्लीन हो, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है और हमारी आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक जो बंदा भी सेलेक्ट होगा इंशाल्लाह उसको टिकट दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी सपोर्ट की जाएगी इंशाल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जो है भारी असलियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, कबायले 2.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें ट्राइबल बिल के, तो उसमें उस हद का रिफॉर्म नहीं है जो लोगों का एक ख्वाब था कबायली आवाम की, वहाँ पर 3G का सर्विस नहीं है, जो बुनियादी सहूलियात जैसे मोबाइल सिग्नल है वो नहीं है, अभी तक तहरीक इंसाफ ने वो मुहैया नहीं की। तो आप ये नहीं समझते तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नाकामी है? नहीं, नाकामी नहीं है। फाटा का जो मर्जर है वो फौरन नहीं हुआ था, फाटा का मर्जर बाद में हुआ है और हमने फौरन उसके बाद जो है सुबह इलेक्शन कराए हैं और जो अभी बजट बना है उसके बाद सुबह इलेक्शन होने के बाद जो उनके नुमाइंदे आए हैं, मेरे ख्याल में जितना फंड दिया गया है पूरे सूबे को, जो पहले से जो हमारा सूबा था सूबा था KP के, उतना ही फंड फाटा के इलाके को भी दिया गया है मर्जर के बाद जो हमारे साथ शामिल हो गया है वो, और उसमें एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तकरीबन हर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा फंड दिए गए और काम वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ में क्योंकि अब वो काम जो है वो ऑन ग्राउंड शुरू हुए हैं और कंप्लीशन में टाइम लगेगा। बाकी जो फाटा के हमारे रिफॉर्म्स है उनमें काम हो रहा है, जो आप कह रहे हैं 3G की बात कर रहे हैं, 3G की काफ़ी जो है टावर इंस्टॉल हो चुके हैं और कुछ एरियाज में अभी तक चौके सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, वहाँ पर अभी तक नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह की हमने वादा किया था कि पूरे एरिया को हम करेंगे, नेट देंगे इंशाल्लाह, उस पर काम शुरू है और हो जाएगा। जिन इलाकों में वो 3G सर्विस है ऑलरेडी उसको बंद किया है वो बहाल नहीं हो रहे? देखिए, कुछ सिक्योरिटी के हालात कुछ एरिया में आपके सामने कुछ वाकयात हो रहे हैं कंटिन्यूस, हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें हमारी पाक फौज पे हमला हो जाता है या कोई ऐसा वाकयात में जो है शातें हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुकम्मल क्लियर नहीं है वहाँ पर जिन एरियाज में, उस वजह थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह क्लियरेंस होती रही एरिया की होती रहेगी, जो जो एरिया क्लियर है उन सब में इंशाल्लाह सहूलियात को ऑन कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करीब डबल डिजिट क्रॉस कर दिया, तो तहरीक इंसाफ को इस दफ़ा आवाम क्यों वोट करें? देखिए जी, ये तो आप कह रहे हैं ना, इन्फ्लेशन हमेशा जब भी नई हुकूमत आती है जो पीछे से इतनी ज़्यादा कर्ज़े लेकर इन्होंने हमारे ऊपर एक बोझ डाला हुआ था उसके बाद बढ़ता है, लेकिन अब वो कम हो चुका है, काफ़ी रेट जो है आपके सामने काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस वक्त जो हमें बड़ा जो मसला आ रहा है वो हमारी शुक्र इकानमी हमारी बेहतरीन हो गई है, फ़ौरन जो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएंट था वो हमने ख़त्म कर दिया, बल्कि सरप्लस में हम चले गए हैं, जो असल जो बेसिकली बैकबोन होती है आपकी इकानमी की। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं महंगाई का, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, माफियाज को हमने हाथ डाला और उन माफियाज को हाथ डालने के बाद जाहिर बात है उन्होंने काम करना था उन्होंने किया, लेकिन हमने उनको कंट्रोल करके चीनी के रेट आप देख लें, आटे के रेट आप देख लें, हम नीचे ले हैं माफी का मुकाबला करके हमने उसी को कंट्रोल कर लिया है। बाकी इस वक्त जो हमारा बड़ा इशू है वो है बेसिकली हमारा एनर्जी का इशू, पावर का इशू, गैस का और बिजली का, लेकिन उसमें भी जो पिछली हुकूमतों ने जो एग्रीमेंट की है जिस तरह के महंगे तरीके से उन्होंने लिया है, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, उस पर काम हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। 5 साल की हमारा हुकूमत का टाइम है, इस 5 साल के बाद अवाम ये फैसला करेगी कि हमने 5 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। ये एक बड़ा वक्त है इस वक्त कहना, क्योंकि जो पॉलिसीज बनती हैं उन पे जब काम होता है और उनको जो ठीक किया जाता है और उनको अपने पॉलिसी के मुताबिक जब वो इंप्लीमेंट हो जाती हैं उसके बाद फैसला होता है कि कर दी क्या थी। अभी तो सवा 2 साल हुए हैं, इस पर तो भी फिलहाल बहुत सी चीज़ें जो है आपके सामने आ गई हैं, इकॉनमी कोविड के बावजूद हमारी टॉप पे, एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं, रोज़गार इस वक्त आपको पता है कि अब जाके चेक करें माशाल्लाह रोज़गार के लिए इतने मौके मिल गए हैं लोगों को जो पहले इनकी हुकूमतों में ख़त्म हो गए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप देख लें। तो इंशाल्लाह हम लोग हर तरफ से हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और इमरान खान का जो विज़न है और तहरीक इंसाफ का जो विज़न है उसके मुताबिक आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जो 70 साल में इन लोगों ने किया है उससे ज़्यादा इंशाल्लाह 5 साल में बड़ी तब्दीली लोग देखेंगे। आप लोग आज ये इधर कैंडिडेट फाइनल करने वाले हो, तो तहरीक जो NA 45 के हल्के के अवाम है वो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, हमने तो अपने जो पार्टी के आइडियोलॉजी के मुताबिक जो उम्मीदवार होना है उसको सेलेक्ट करना है, हमारी
आवाम से ही अपील होगी कि जो भी हम उम्मीदवार सेलेक्ट करते हैं इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों के मुताबिक होगा, पीटीआई के फेस और पीटीआई के इदारों के मुताबिक होगा। आवाम उसको वोट दें और आवाम उसको इसलिए वोट दें क्योंकि हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत का ही नुमाइंदा उनका इलेक्ट होकर आएगा वहाँ से, तो ज़ाहरी बात है हुकूमती जो है मराहत है, हुकूमत के जो फंड हैं, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें वो शरीक होगा और उनके लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करके बेहतर से बेहतर चीज़ों को हुकूमत से मंजूर करा के उनके मसाइल को हल कर सकता है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह सीट जीतेंगे और इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है और यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो उम्मीदवार होगा वो डिलीवर भी करेगा और इंशाल्लाह लोगों की जो महरूमियाँ हैं इस हल्के में दूर करेगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू।